सिक्योराई ने लॉन्च कर दिया है आधार बेस्ड आयरिस मशीन। इससे पहले सिक्योराई के पास सिर्फ फिंगर बेस्ड आधार डिवाइस था। यह डिवाइस भी ऑलमोस्ट फिंगरप्रिंट आधार बेस्ड डिवाइस जैसा ही है। डिफरेंस बस इतना है कि इसमें आपको अटेंडेंस लगाने के लिए आयरिस स्कैन करना होता है और उसमें फिंगर स्कैन करना होता है। डिवाइस में अटेंडेंस कंटिन्यू करने के लिए दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने होते हैं, पहला आयरिस आरडी सर्विस और दूसरा AEBAS क्लाइंट ऐप। आयरिस आरडी सर्विस प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है आयरिस आरडी सर्विस। आप नीचे देखोगे एप्लीकेशन सर्च होके आ गया है आयरिस आरडी सर्विस के नाम से। आपको इस पे क्लिक करना है और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेम डालना है कि किससे आपने डिवाइस बाय किया है। फिर आपको एंड कस्टमर नेम डालना है कि किसके यहाँ पे आप डिवाइस लगा रहे हो। डिटेल एंटर करने के बाद हमें ओके पे क्लिक करना है। टेस्ट कैप्चर पे क्लिक करके हमें एक बार आरडी सर्विसेज चेक कर लेना है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइज आरडी सर्विसेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और यह प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब बारी है बेस्ट क्लाइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अटेंडेंस पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने लैपटॉप या पीसी पे एक ब्राउजर ओपन करना है और एड्रेस बार में टाइप करना है https://attendance.gov.in। वेबसाइट ओपन करने के बाद साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। आपको सेकेंड ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल फिल करना है। फिर आपको नोडल ऑफिसर का डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। लास्ट में आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको वेबसाइट का लिंक और यूजर नेम पासवर्ड आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम 48 आवर का टाइम लगता है। अगर आपको कोई डिटेल फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप NIC के हेल्पलाइन नंबर 1-800-111-555 पे कॉल कर सकते हो। बेस्ट क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हमें लिंक और यूजर नेम पासवर्ड मेल आईडी पे मिल गया है। आधार डिवाइस पे एक ब्राउजर ओपन करेंगे और हमें जो लिंक मिला है उसे एड्रेस बार में पेस्ट कर देंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऊपर 3 लाइन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर मेल पे जो यूजर नेम पासवर्ड आपको मिला है उसे एंटर करके लॉगिन कर लेना है। वेबसाइट लॉगिन करने के बाद हमें नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड फॉर एंड्रॉइड एंड डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमें नीचे जाना है बेस्ट क्लाइंट एप्लीकेशन में और हमें डाउनलोड करना है बेस एंड्रॉइड क्लाइंट APK वर्जन 4.05। ये अभी का लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आप जब यह वीडियो देख रहे होगे या डाउनलोड कर रहे होगे तो उस समय कोई और वर्जन आ गया होगा। फिर डाउनलोड पे क्लिक करके हमें इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। हमें नीचे नोटिफिकेशन में दिख रहा है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, फिर हम ओपन पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। एक दो प्रोसेस करने के बाद सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमें डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक्टिवेशन कोड एंटर करना है। एक्टिवेशन कोड जनरेट करने के लिए अगेन आपको ब्राउजर पे अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें आपको जाना है मैनेज डिवाइस में। उसके बाद हमें जाना है एक्टिवेशन कोड में, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक एडमिन में जाना है और फिर मोबाइल सेलेक्ट।
क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका जो भी एक्टिवेशन कोड होगा जनरेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एंटर कर देना है। एक्टिवेशन कोड एंटर करने के बाद आपको लॉक के आइकन पे क्लिक करना है। फिर आपको एंट्री पॉइंट सिलेक्ट करके एडमिन का आईडी स्कैन करना है। तो गाइज, बेस्ट क्लाइंट एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। चलिए एक एम्प्लॉय का अटेंडेंस लगा के चेक करते हैं।